टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम आपको गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे में बनने से रोजगार को मिलेगी रफ्तार। उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक गंगा एक्सप्रेसवे ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनका सपना है कि इस गंगा एक्सप्रेसवे से बनने से 12 जिले और उत्तर प्रदेश पूरा कनेक्टिविटी जो है एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। इसलिए जो है गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की और भूमि अधिग्रहण की आदेश जो है सरकार ने जारी कर दिए हैं और जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण और आपका भूमि अधिग्रहण प्रारंभ कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूँ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ साथ 3 प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं जिनको 1 जनवरी मतलब 2021 के अंदर उनको चालू कर दिया जाएगा। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, 341 किलोमीटर का ये बन रहा है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, 296 किलोमीटर तैयार किया जा रहा है। गोरखपुर एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर का तैयार किया जाएगा। ये 4 एक्सप्रेसवे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी बना रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 17 इंटरचेंज सभी महत्वपूर्ण मार्ग पर प्रस्तावित है। 17 जो इंटरचेंज है वो प्रस्तावित मार्ग पर है और आपका 9 जन सुविधा परिसर प्रस्तावित दी जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे की विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो आपका इसमें 7 आरबी ओबी, 14 दीर्घ सेतु, 28 फ्लाई ओवर और 127 लघु सेतु इसमें बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे में अब हम उन 12 जिलों का भी नाम ले देते हैं जिन 12 जिलों को विकास की रफ्तार मिलेगी और इनका विकास होगा। यहाँ के जो युवक हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको यहाँ पर इस गंगा एक्सप्रेसवे के साथ साथ उनको नौकरी, बेरोजगारी भी। उत्तर प्रदेश के सीएम जी का ये कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जो उद्योग लगाए जाएंगे उसके साथ साथ जो है आपका जो युवक है, जो बेरोजगार है, उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इसके अंदर नौकरी देगी। तो उसके लिए सबसे पहले है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज। मतलब मैं बता दूं, मेरठ से प्रयागराज तक ये बनाया जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, आपका 594 किलोमीटर का तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण जो शिलान्यास जो होगा जून के माह में इसका किया जाएगा और 2021 और उससे पहले पहले जो है 6 मंथ इसकी भूमि अधिग्रहण के लिए दे दिए हैं योगी जी ने और जल्द ही इसकी भूमि अधिग्रहण मेरठ जिले से प्रारंभ कर दी जाएगी। और मेरठ जिले से ये बनेगा NH 334 आपका बिजोली से प्रारंभ करके और प्रयागराज तक तैयार किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और गंगा एक्सप्रेसवे जिस तरह से दिन प्रतिदिन प्रोजेक्ट बढ़ते ही जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए कंपनी काम कर रही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।